हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी कैसे हैं? ठीक हैं? सभी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. ओके, देखो अभी ये अपनी यूनिट है, अपनी फिफ्थ यूनिट. ओके, और उसका जो आपका सेकंड चैप्टर है, हेरोल्ड आवर हॉर्नबिल. ठीक है, न्यू चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, देखो, हैव यू एवर सीन अ हॉर्नबिल? ठीक है, आपने कभी क्या हॉर्नबिल देखा है? हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी का नाम है. ठीक है, एक पक्षी होता है, ये पक्षी है ये. ठीक है, इसकी चोंच जो लंबी होती है, क्लियर, ये पक्षी होता है. अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं ये पक्षी, अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं. ठीक है, अफ्रीका देश है उसमें. ठीक है, तो ये कभी देखा है आपने? तो डू यू नो व्हाट अ हॉर्नबिल लुक्स लाइक? ठीक है, अब कैसे दिखाई देता है आपको, मैंने बता दिया कैसे दिखाई देता है. उसकी चोंच जो है लंबी होती है. ठीक है, पता है तो डिस्कस करें अपने दोस्तों से. डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड्स. यू आर गोइंग टू रीड अबाउट अ हॉर्नबिल नेम्ड हेरोल्ड एंड हाउ ही फाइंड्स अ न्यू होम व्हेन ही फॉल्स आउट ऑन हिज नेस्ट. ठीक है, ये जो हॉर्नबिल है, ठीक है, अब ये पक्षी है. ठीक है, वे पक्षी है, इंसान है, इंसान का भी तो कोई नाम होता है. ठीक है, तो पक्षी है तो इसका भी नाम दे दिया गया यहाँ पे, हेरोल्ड. सॉरी, हेरोल्ड नहीं, हेरोल्ड, हेरोल्ड. क्लियर? और किसके बारे में कि भाई वो क्या है, अपने जो घोंसला होता है, ठीक है, उससे गिर जाता है तो उसको भी एक नया घर मिलता है. ठीक है, नेस्ट होता है वो घोंसला. देखो, हेरोल्ड आवर हॉर्नबिल. ठीक है, हेरोल्ड्स मदर, लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स, वॉज द मोस्ट केयरफुल ऑफ वाइव्स. His father, the most easy going of husbands. ठीक है, ये कह रही जो हेरोल्ड्स की जो मदर है, ठीक है, वो कैसी थी? जो सभी अच्छे हॉर्नबिल्स की तरह क्या, एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी, एक केयर करने वाली, जो ध्यान रखने वाली वाइफ थी. ठीक है, वाइफ होती है पत्नी. क्लियर? His father, जो उसके पापा जी थे, ठीक है, हॉर्नबिल के, हेरोल्ड के, ठीक है, वो कैसे थे? एक इजी गोइंग हस्बैंड थे. ठीक है, अब इजी गोइंग क्या होता है यहाँ पे? इजी गोइंग होता है काम, मतलब बहुत शांत, रिलैक्स्ड. जो कोई भी कोई कुछ भी कहते हैं किसी से, कहीं तो क्या होता है, कुछ भी छोटा छोटा मोटा ऊपर नीचे कह दो, किसी से भला बुरा कह दो, कोई तो नाराज होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल शांत स्वभाव के, जिसको कहें, ठीक है, रिलैक्स्ड. ओके, वो है. क्लियर? इजी गोइंग, तो इजी गोइंग हस्बैंड थे. ये बहुत ही अच्छा एक एडजेक्टिव है. ठीक है, तो आप इसको अपने स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई माय फादर इज़ वेरी इजी गोइंग. क्लियर? लाइक दूसरे में कह सकते हैं कि भाई आई एम हैविंग इजी गोइंग फ्रेंड. क्लियर? एनीथिंग, इसको यूज़ करना अच्छा वर्ड है. इन जनवरी में क्या हुआ? लॉन्ग बिफोर द फ्लेम ट्री फ्लावर. ठीक है, हेरोल्ड्स फादर टुक हिज वाइफ इन टू अ ग्रेट होल हाई इन द ट्री ट्रंक. ठीक है, जनवरी महीने में क्या है, जब एक ट्री, यहाँ पे ट्री है, फ्लेम नाम का जो एक पेड़ है, क्लियर, उसमें क्या है, फूल नहीं आए थे, तो उससे पहले क्या है, जो हेरोल्ड्स के जो पापा थे, ठीक है, वो उसकी वाइफ को कहा है, एक ऊंचे पेड़ पे ले गए. ठीक है, तो वहाँ पे एक होल था. ठीक है, मतलब तने में क्या है, उसकी शाखा में क्या है, एक होल था तने में. तो ये आपको होल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर यहाँ पर लेके गए. क्लियर? इन दिस वेदर बिटन होलो जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ हॉर्नबिल्स हैड बीन रेज्ड. ठीक है, ये क्या है, जो होल है ना, ये वेदर बिटन क्या है? देखो, वेदर बिटन होता है, जैसे कहते हैं ना, मौसम का पिटा हुआ, मैंने बहुत ही घिसा पिटा हुआ, जिसको कहा है. ठीक है, और ऐसे ऐसे, मैंने इसे तरेड़ तरेड़ आती है. ठीक है, ऐसे इस तरीके से, मतलब उसमें ज़्यादा जो मौसम का प्रभाव हो. फॉर एग्जांपल, हम कहीं बाहर जाते हैं तो भाई कैप, ऊपर से टोपी है वो नहीं पहन रखी. ठीक है, और अपना चेहरा रूखा सूखा हो जाता है, पूरी धूप वगैरह में डोल गए, तो उससे तो वेदर बिटन हो गया हो. क्लियर? वेदर बिटन फेस. तो यहाँ पे वेदर बिटन होल है जनरेशन, तो इस ये होल जो है, इसमें जनरेशन जो है, काफ़ी जो पीढ़ियाँ हैं हॉर्नबिल्स की, वो जो है पली बड़ी हैं इसमें. क्लियर? एंड हॉर्न हेरोल्ड्स मदर, लाइक दोज बिफोर हर, वॉज इनक्लोज विद इन द होल बाय स्टडी वॉल ऑफ अर्थ. ठीक है, इससे पहले जो उनकी मम्मा है वो कहाँ रही थी, एक स्टडी होते कठोर, ठीक है, टफ जो है दीवार के उसमें रही थी, घोंसले में. ठीक है, किसका बना हुआ था, अर्थ का, उसमें था ये, अर्थ में रही थी. ठीक है, किसका बना था, स्टिक्स एंड डंग का, एक मतलब घोंसला बनाया रखा था उन्होंने, कहाँ पर स्टिक्स, मतलब लकड़ी वगैरह छोटी छोटी. ठीक है, डंग होता है गोबर. ठीक है, तो इसका ऐसे टाइप जो घोंसला बना रखा था वहाँ पर रही थी. क्लियर? वर्ल्ड अप इन हर अनकम्फर्टेबल रूम, हेरोल्ड्स मदर वॉज अ प्रिजनर फॉर ओवर 2 months. ठीक है, मतलब ऐसे घर में रह के क्या है, वो 2 महीने के लिए क्या बनी थी, एक
कैदी टाइप बन के रह गई थी ऐसे, मतलब वैसा घर था ना उनका, इसलिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड एंड हॉर्न हेरोल्ड वॉज बोर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब इस महीने में क्या है, जो उसमें अंडा जो है, उन्होंने अंडा दिया और उसमें क्या है, किसका जन्म हुआ, हेरोल्ड का। क्लियर। इन दिस नेक्ड बॉयहुड, ठीक है, इस जो है नग्न बॉयहुड में, बॉयहुड में लड़कापन जिसको कहा जाए, ठीक है, हेरोल्ड वॉज नो ब्यूटी, हेरोल्ड के पास जो है वो कोई सुंदरता नहीं थी, उसकी जो बॉडी थी उसकी सुंदर ज़्यादा नहीं थी। हिज मोस्ट प्रोमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल मैचिंग द ब्लॉसम्स ऑफ द फ्लेम ट्री। ठीक है, मतलब इसमें जो सबसे होनहार फीचर था, सबसे होनहार जो गुण था, प्रोमिसिंग क्या होता है, होनहार, सबसे होनहार जो गुण था वो क्या था, कि ये जो उसकी जो रेड चोंच है, बिल होती है यहाँ पे चोंच, ठीक है, उसकी जो रेड चोंच है वो बहुत ही खिली हुई दिखाई देती थी, एक फ्लेम ट्री की तरह, ये जो चोंच है ना इसकी, ये ऐसे खिली हुई सुंदर दिखाई दे रही, नहीं चोंच ऐसे, तो ये सुंदर दिखाई दे रही, ये सबसे अच्छा उसमें गुण था। क्लियर। ब्लॉसम्स होता है वो खिला हुआ, जैसे फूल हैं, फूल खिले हुए हैं तो क्या है, फूल खिले हुए हैं, तो इसके फ्लेम ट्री की तरह खिले हुई थी उसकी चोंच। क्लियर। ही हैड अ स्टमक दैट कुड नेवर बी फिल्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हु ब्रॉट हिम पीसेस ऑफ जैकफ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द बैनियन ट्री। ठीक है, मतलब उसका एक, इसका एक पेट था, इसका पेट तो होता ही भाई सभी का होता है, ठीक है, तो ये इसका पेट था, ये क्या है, कभी नहीं बढ़ता था, है ना, इसको भले इसको मतलब बेस्ट एफर्ट्स टू पेरेंट्स, मतलब इसके पापा जी इतना मतलब एफर्ट करते, इतना अच्छा एफर्ट करते थे, मतलब उसके लिए जैक फ्रूट लेके आते थे, बेरीज लेके आते थे, ठीक है। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री क्या होता है, आपका बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ सुना होगा तो बोलते हैं बैनियन ट्री, ठीक है, तो वहाँ से बेरीज लेके आते थे, उसमें सुने होंगे, लाल देखे होंगे आपने, लाल लाल से वो होते हैं, तो बेरीज होती हैं, जैक फ्रूट भी होता है, खाने वाली चीज़ होती है। क्लियर, तो वो चीज़ वहाँ से जो है लेके आते थे, इतने मतलब डेस्पाइट होता के बावजूद, ये चीज़ें खिलाने के बावजूद भी जो है उसका पेट नहीं भरता था। क्लियर। एज ही ग्रू बिगर, ठीक है, जैसे वो बड़ा होता है, द रूम बिकेम मोर क्रैम्प्ड एंड वन डे हिज मदर ब्रस्ट थ्रू द वॉल स्प्रेड आउट हर विंग्स एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप्स। ठीक है, जैसे ही वो मतलब बड़ा होता है तो उसकी, एज ही ग्रीव बिगर, ठीक है, जैसे ही बड़ा होता है तो रूम जो है उसके लिए छोटा पड़ता है, मतलब क्रैम्प होता है आपका तनाव में, ठीक है, कोई भी छोटी जगह तो वहाँ रहकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ना, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो वो चीज़ आप क्रैम्प फील करता है। क्लियर। और क्या है, उस एक दिन क्या है, उसकी माँ जो है पंख फैला के क्या है उसको तोड़ देती है, ठीक है, और जो है अपने पंख बाहर निकाल लेती है। क्लियर। और फिर कहाँ जाती है, जो ट्री टॉप्स, जो मतलब पेड़ होता है उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी चोटी है ना, तो उस पर वहाँ पर जो है आराम से जो है वहाँ पर घूमती है। ठीक है, क्लियर, पेड़ होते हैं उसकी टॉप पे, ये ट्री टॉप। क्लियर। हर हस्बैंड प्रिटेंडेड ही वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट एंड प्लेड विद हर एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट विद डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी चकल्स। ठीक है, उसके जो पिता हैं, हस्बैंड है उसके, ठीक है, वहाँ पे आते हैं, ठीक है, नाटक करते हैं, ठीक है, उसको खुशी होती है, और जो है खेलते हैं अपने आप, प्लेड विद एक्सप्रेसिंग डिलाइट, खुशी से जो है खेलते हैं, ठीक है, गर्गल्स कहते हैं, पानी जैसे चट्टान वगैरह पड़ता है ना, लहरें वगैरह आती हैं, ठीक है, तो उसमें जो शोर होता है वो होता है गर्गल्स, उसको शोर को बोल रहे हैं। ठीक है, थ्रोटी चकल्स, गले में मतलब वो अलग से जो है वो आवाज़ निकालते हैं। क्लियर, ऐसे फिर पूरा जो इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। ओके, देन दे रिपेयर्ड द वॉल ऑफ द नर्सरी सो दैट हेरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट। ठीक है, वो क्या जो वॉल टूटी थी उसको क्या रिपेयर करते हैं ताकि जो है हेरोल्ड है वो गिरे ना। आगे देखो, हेरोल्ड वाज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम। ठीक है, जो हेरोल्ड है वो क्या है, बहुत अच्छे खुश था अपने पिंजरे में, मतलब उसको घोंसले लगाओ, पिंजरे लगाओ। क्लियर, और उसकी कोई तीव्र इच्छा नहीं थी आज़ादी की, अर्ज होता है आपका तीव्र इच्छा, ठीक है, उसकी तीव्र इच्छा नहीं थी वहाँ पे कोई आज़ादी, क्योंकि वहाँ पे खुश था वो। ही वॉज पुटिंग ऑन वेट एंड फीदर्स एंड एक्वायरिंग अ फिलोसफी ऑफ हिज ऑन। ठीक है, अब वो क्या, जैसे धीरे धीरे भी बड़ा हो रहा था तो उसका वेट जो है बढ़ रहा था, और उसकी फीदर भी जो है पंख, फीदर्स होते हैं कि पंख भी जो है वो बढ़ रहे थे। ठीक है, और वो क्या एक्वायरिंग, अपना प्राप्त कर रहा था फिजियोलॉजी ऑफ हिज ऑन, जो अपना संपूर्ण जो आकार होता है उसका, वो जो धीरे धीरे प्राप्त कर रहा था।
देन समथिंग हैपेंड टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई जो उसकी जो लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको जो है ठेस पहुँची, ठीक है, बदलाव हुआ उस चीज़ में, उसकी लाइफ स्टाइल में, ठीक है। तो क्या बदलाव होता है क्या नहीं, वो दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ओके, सो टिल देन बाय बाय, गुड बाय एंड बिफोर बाय। आपको समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है, नहीं आया तो इसको वीडियो को दोबारा देखें, क्लियर, छोटा ही है, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, देखिए एक ही पेज कराया थोड़ा सा। ओके, नहीं आए दोबारा से देखें, फिर अच्छे से आएगा। ओके, सो दैट्स इनफ ऑफ द डे, सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय।